पाकिस्तान के मौजूदा हालात पर एक बार फिर से ओवैसी ने मरकजी हुकूमत पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भारत को वहां से क्या मिला, ये मुल्क को बताना जरूरी है। इस मौके पर उन्होंने पीएम मोदी के अफगानिस्तान दौरे का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि वहां की पार्लियामेंट समेत भारत सरकार की पॉलिसी क्या हम सुनना चाह रहे हैं। जहाँ तक तालिबान के लीडरशिप जो है उसमें से जो टॉप 10 में से कई लोगों को यूनाइटेड नेशन ने अपने रेजोल्यूशन से उनको टेररिस्ट करार दिया है, अब उनको डिडेजिग्नेट करना पड़ेगा। और फिर सुनिए, दोहा में हमने उनसे एक हेलो हाय किया, पूरी तरह नहीं किया। 2020 में हमने एक अनऑफिशियल एजेंसी से उनसे बातचीत की। यही तो हम जानना चाह रहे कि आपकी क्या पॉलिसी है। प्रधानमंत्री ने काबुल जाकर आपके टेन चैनल पर दिखाया गया कि गनी के साथ आपने पार्लियामेंट का उद्घाटन किया और भारत के प्रधानमंत्री ने स्पीच भी दी। वो पार्लियामेंट में अब क्या होगा, 700 करोड़ की पार्लियामेंट है। $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हमने रिकंस्ट्रक्शन में किया अफगानिस्तान में। वो $3 बिलियन का क्या है, क्या हुआ, क्या देश जाना नहीं चाहेगा। सलामा डैम हमने बनाया, वहाँ के बच्चों को स्कॉलरशिप दी, छाबार पोर्ट का मामला है। ये तो सब सुनना पड़ेगा ना, उनसे ही सुनेंगे।